Hello everyone, welcome to the ITLS Academy. Our today's lecture is on the topic life cycle of silkworm. Okay, so let's start with the introduction first. Silkworm ka hum pehle introduction dekh lete hain. Silkworm generally jo hai animalia kingdom ka hai, iska sub kingdom invertebrata hai, orthopoda phylum ka hai, iski class insecta hai, aur uska naam silkworm hai. Okay, the silkworm is also known as Bombyx mori, produces the silk of commercial importance. It is a caterpillar of a moth whose cocoon is used to make a silk. This insect is also called the silkworm moth and the mulberry silkworm. Male and female moth are flightless and lack functional mouth parts. The moth differs in morphological features. The female has the larger abdomen, whereas the male has much larger pair of antenna. So silkworm ko hum resham keet kehte hain, jiska scientific name Bombyx mori hai, jo ki arthik mahatv ke antargat resham ka utpadan karta hai. Isme nar aur mada keet rupatmak visheshtaon mein bahut hi prakar se vibhinn hote hain. Mada ka sharir jahan tak bada hota hai, jabki nar ke paas antenna hota hai. ये सिल्कवॉर्म जो है सहतूत के पेड़, जिन्हें हम मलबरी कहते हैं, मलबरी प्लांट, सहतूत के प्लांट्स में पाया जाता है. नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ सिल्क. सिल्क वॉज डिस्कवर्ड अराउंड 3500 BC इन चाइना, एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सिल्क वॉज शिप्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द ट्रेड. Through the technological advancement, a new development has enabled the manufacturers to produce the different types of silk from different silkworms on the basis of their luster and texture. Mulberry silk is the most common silk moth that is used for producing silk, and rearing of silkworm is known as sericulture. Acha, history jo hai silk ki, generally resham ki jo khoj hai वो कुल सम 35,000 BC ईसा पूर्व में चाइना में एक रोज तब हुई जब वहां की महारानी, जिनका नाम साई लिंगची, एक रोज अपने बगीचे में चाय पी रही थी, तभी उनके कप में एक कुकून गिर पड़ा. चाय फेंकने के बजाय उन्होंने उस कुकून को अपनी उंगलियों से निकालने की कोशिश की, और जैसे जैसे उसको वो निकाल रही थी, वैसे ही एक बारीक धागा उस कुकून से सुलझता जा रहा था. क्योंकि वो महारानी एक बुनकर थी, तो उन्होंने उस मुलायम धागे को बहुत नोटिस किया और उसे कपड़ा उत्पादन में प्रयोग करने के लिए, एक रेशे के तौर पर उपयोग करने की सोचा. बस फिर एक नौकर की सहायता से उन्होंने उस कुकून से एक लंबा सा धागा सुलझाया, और तभी से रेशम के उत्पादन की शुरुआत हुई. तो बेसिकली इसकी जो डिस्कवरी है, ये सिल्क जो हमारे पास है, उसकी खोज जो है वो चाइना में हुई. तो रेशम का व्यापार काफी समय से दुनिया भर से चला आ रहा है, और नई तकनीकों की मदद से और भी विभिन्न प्रकार की आभा और बनावट में इसे बनाया जाता है. सो रेशम कीट द्वारा रेशम बनाने की इस प्रक्रिया को हम सेरिकल्चर बोलते हैं. तो ये रही इसकी हिस्ट्री, कैसे हमारे लाइफ में सिल्क का उत्पादन हुआ, कैसे हमारे लाइफ में सिल्क जो है वो जुड़ा, कहाँ से रेशम बना, कैसे बना, ये बेसिकली जो है चाइना से हमारे पास आया है. तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म इज डिवाइडेड इनटू फोर स्टेजेस: एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट स्टेज. सिल्क वर्म इज होलोमेटाबोलस इंसेक्ट, and duration of their life cycle is approximately 45 days. The life cycle of mulberry and non-mulberry silkworm is same. A female silk moth lays about 400 eggs. Female moth larger than the male, and color of female moth is pale or dark for male. Okay, so जो silkworm की silk रेशम की कीट की जो जीवन चक्र है वो चार भाग में विभाजित है. पहले को हम एग बोलते हैं, दूसरा स्टेज इसकी लार्वा होती है, तीसरी स्टेज इसकी प्यूपा, और
आखिरी स्टेज इसकी एडल्ट स्टेज कहलाती है। सिल्क वॉर्म एक होलोमेटाबुलस इंसेक्ट है, मतलब पूर्व कायाशील कीट है ये। इनका जीवन चक्र कुल 45 दिन तक का चलता है और मादा रेशम कीट एक बार में कुल 300 से 400 अंडे देती है। मादा मोथ जो होती है वो नर से आकार में बड़ी होती है एवं इनका जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है, जबकि नर का थोड़ा सा गहरा होता है। तो इसकी पहली स्टेज हम देख लेते हैं जिसको हम एग स्टेज बोलते हैं। एग जो है ये अंडा ओवल इन शेप, इंक्यूबेशन पीरियड इसका 9 से 12 दिन का होता है। ये अंडा ओवल शेप का होता है जिसकी उष्यमन अवधि यानी इंक्यूबेशन पीरियड जिसे कहते हैं वो 9 से 12 दिन की होती है। फ्लैट एट वन एंड फॉर अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। ये जो अंडे का प्रकार होता है ये एक तरफ से चपटा होता है ताकि ये जो सरफेस है उस पर आराम से चिपक सके, इसलिए ये थोड़ी फ्लैट होती है। एग हैज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटर कॉल्ड द कोरियन, मिडिल कॉल्ड द सेरोसा, इनर और इनर लेयर वाइटेलियन मेम्ब्रेन। एट द इंटीरियर साइड ऑफ द एग हैज वन ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल एंड इट हैज 3 माइक्रोपाइल कैनाल एंड द टाइप ऑफ एग इज सेंट्रोलेसिथल। तो ये जो अंडा होता है एक केंद्रीय पित्तिकी, केंद्र पित्तिक मतलब सेंट्रोलेसिथल मतलब जिसका योग बीच में रहता है उसे कहते हैं सेंट्रोलेसिथल। तो ये केंद्र पित्तिकी होता है। अच्छा, तो जो अंडे का फॉर्म होता है यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि वो 3 लेयर में डिवाइड होता है। मींस जो आउटर लेयर उसकी होती है उसको कोरियन बोलता है। मींस यहाँ पे जैसे एक अंडा होता है उसकी लेयर यहाँ पे 3 में डिवाइड होती है। ये पे आपका बीच का ये योग पोर्शन होता है, बाहर की सरफेस को हम कोरियन लेयर कहते हैं। ये आउटर सरफेस है जिसको हम कोरियन लेयर कहते हैं। इसकी मिडिल की जो सरफेस होती है ये जो बीच की है इसको हम सेरोसा बोलते हैं और सबसे अंदर की पार्ट को हम इनर वाइटेलियन मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर के हिस्से को हम योग कहते हैं और यहाँ पे इसके ओवल शेप की ओपनिंग में यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसको हम माइक्रोपाइल रीजन बोलते हैं। ये रहा माइक्रोपाइल रीजन। तो ये एक अंडे का आकार होता है जिसका एक सिरा चिपटा होता है और ये ओवल शेप में होता है, उसकी 3 लेयर होती है। नेक्स्ट स्टेज आती है इसकी लार्वा की स्टेज। एग हैचेस आउट इनटू अ लार्वा। लार्वल स्टेज कंसिस्ट ऑफ 20 to 24 डेज। न्यूली हैच्ड लार्वा कॉल्ड द ब्लैक एंट। बॉडी इज जनरली कवर्ड विद ब्रिस्टल्स। इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग एंड बिकम पेल इन कलर। द पीरियड बिटवीन द सक्सेसिव मोल्ट्स इज कॉल्ड एन इंस्टा। द लार्वल लाइफ कंसिस्ट ऑफ 5 लार्वल स्टेज एंड द लार्वा कॉल्ड इंस्टा लार्वा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो अगली स्टेज जो एग के बाद आती है वो आती है लार्वल स्टेज की। तो लार्वा जो है बेसिकली डार्क ब्राउन कलर का होता है और बहुत ही डेंस फॉर्म का होता है। इस पे एक काइटिनियस लेयर होती है, इसमें लार्वा की बॉडी जो होती है वो हेड और सेगमेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जनरली 13 सेगमेंट ट्रंक्स होते हैं इसमें। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे जो लार्वा की बॉडी है फर्स्ट पार्ट इज योर हेड, उसके बाद 13 ट्रंक्स होते हैं मींस सेगमेंटेड बॉडी होती है। हेड सेक्शन में आपके माउथ होता है। द हेड इज जनरली फॉर्म बाय 6 सेगमेंट्स। थॉरिक्स इज फॉर्म बाय 3 सेगमेंट्स, दैट इज द प्रोथॉरिक्स, मेसोथॉरिक्स एंड मेटाथॉरिक्स। The fifth instar larva is approx 3 cm long and it consists of 3 parts, that is your head, thorax and abdomen. तो जो हमारा abdomen का part होता है, abdomen part generally 11 segments से बना होता है। और head part में mouth होता है जिसमें 6 ocelli होती है, एक pair of antenna होता है और spiracle होते हैं
और इस स्पेरिकल के अंदर ही आपको एक पेयर ऑफ सिल्क ग्लैंड मिलेगा। ये हम सिल्क ग्लैंड आगे पढ़ेंगे। अब जो 13 पेयर ऑफ सेगमेंट है उसमें स्टार्टिंग के 3 सेगमेंट हमारे थॉरेक्स कहलाते हैं, वो थॉरेक्स रीजन के होते हैं जिसमें आपके वॉकिंग लेग्स होते हैं। बट जब लार्वा मैच्योर होता जाता है तो उस स्टेज को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और ये इस स्टेज के आते आते मैच्योरिटी में और मैच्योरेशन ये लार्वा अपने दूसरी स्टेट फॉर्म करेगा। इसमें सेगमेंट बदल जाएंगे, लेग्स छोटे हो जाते हैं और सिल्क ग्लैंड सिक्रेट करने लगता है। तो ये सारी मैच्योरेशन देखने को मिलेगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अगले फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं प्यूपा। तो ये इसकी लार्वल स्टेज हुई। लार्वल स्टेज में 5 इंस्टार स्टेज होती हैं। जब लार्वा लार्वा की आती है तो वो स्पिनिंग करेगी, यानी अपने चारों तरफ से सिल्क सब्सटेंस सिक्रीट करेगी। सारी सिल्क इकट्ठा करने के बाद वो कुकून को स्क्रॉल कुकून बनाएगी और कुकून से स्क्रॉल आउट हो जाएगा। ये रही आपकी लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज में मोल्टिंग होती है, फिर फर्स्ट इंस्टार बनता है, फर्स्ट इंस्टार से मोल्टिंग होके सेकेंड इंस्टार स्टेज आती है लार्वा की, सेकेंड मोल्टिंग के बाद थर्ड स्टेज आती है लार्वा की, और थर्ड मोल्टिंग के बाद फोर्थ स्टेज, और ऐसे ही करके कुल 5 इंस्टार स्टेज आती है। दैट इज द लास्ट स्टेज फॉर द लार्वा टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्यूपा, और जिसकी लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर की लेंथ होती है लार्वा की। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेज आती है जिसकी बात कर रहे थे वो हम कह रहे थे प्यूपा की। लार्वा पासेस टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज ये थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ नोन एज प्यूपा। प्यूपल स्टेज लास्ट फॉर 10 टू 12 डेज। द सिल्क कोकून सर्व्स एज द प्रोटेक्शन फॉर द प्यूपा। प्यूपा इज लाइव इनसाइड द कोकून। कोकून इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्पिनिंग ऑफ द सिल्क बाय द 5th इंस्टार लार्वा। तो लार्वा स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो उसको हम प्यूपा बोलते हैं। प्यूपा की स्टेज जनरली 10 से 12 दिन तक की चलती है, जिसमें जो सिल्क कुकून बनता है उसको बचाने का भी काम करता है और साथ ही साथ कुकून को भी प्रिपेयर करता है, जहां से हम अपना रेशम को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्यूपा जो होता है वो उस कुकून के अंदर ही रहता है। अ कुकून इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्पिनिंग ऑफ सिल्क बाय द 5th इंस्टार लार्वा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके स्पेरिकल में अभी मैंने लार्वल स्टेज में बताया कि हेड के रीजन में स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल के अंदर सिल्क ग्लैंड होता है। तो क्या होता है, जब लार्वा बड़ा हो जाता है, खा खा के थोड़ा मोटा हो जाता है, ज्यादा मूव नहीं कर पाता है, तब ये अपने हेड को स्पिन करने लगता है। स्पिनिंग से क्या होता है, इसके स्पेरिकल के अंदर जो लार्वा ग्लैंड है, सिल्क ग्लैंड है, सिल्क ग्लैंड से सिल्क सिक्रेट होने लगता है, क्योंकि थोड़ा सा वो चिपचिपा होता है और ये बेसिकली लीव्स पे रहते हैं। सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही सिल्क जो है वो सूखने लगता है, और वो चिपचिपा पदार्थ जब सूखता है तो एक कुकून का फॉर्मेट बना लेता है, एक कुकून में कन्वर्ट हो जाता है। कुकून के अंदर आपका ये प्यूपा रहता है। प्यूपा इज कवर्ड बाय क्यूटिकल्स, इट इज ब्राउन इन कलर। आप इसकी पिक्चर देख रहे होंगे। यहाँ पे जो कुकून है ये एक कट सेक्शन है कुकून का, जिसके अंदर जो हमारा रेशम कीट है वो थोड़े पेल से अब ब्राउन कलर का हो गया। इसके ऊपर कैटिनियस लेयर क्यूटिकल्स जो है वो इकट्ठा हो गई है, मतलब जनरेट हो गई है। आफ्टर अ फाइनल मोल्ट इनसाइड अ कुकून द लार्वा डेवलप्स इनटू अ ब्राउन काइटिन कवर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द प्यूपा। अब जो है लार्वल स्टेज से जब ये 5th इंस्टार स्टेज पे अपना कुकून का फॉर्मेशन करता है, तब ये इस पे काइटिनियस लेयर भी आ जाती है और इस स्टेज को हम प्यूपा बोलते हैं। द एडल्ट ऑर्गन प्रोड्यूस इन दिस स्टेप, मतलब कि अभी तक इसके अंदर एडल्ट ऑर्गन्स नहीं प्रोड्यूस हुए थे, अब इसके अंदर जो है एडल्ट ऑर्गन्स भी प्रोड्यूस होंगे। And if the silkworm are allowed to mature and break through the cocoon, the silk would be rendered useless for the commercial purpose.
मेन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि अगर जो हमारा रेशम कीट है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बन गया और फिर उसके बाद इसको और मेच्योर होने दिए, होने मतलब और मेच्योर अलाउ किया गया कि ये और मेच्योर हो, तो ये अपने कुकून को ऊपरी पार्ट में कट करके यहाँ से बाहर आ जाएगा और उस टाइम पे हमारा ये कुकून जो है वो किसी भी यूज का नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे रेशम के जो धागे हैं वो कट जाते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होने के बाद क्या होता है, हमारा कमर्शियल पर्पस जो होता है वो हमको नहीं मिल पाता, हमें जो है कुकून प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं मिल पाता, ब्रोकन पीसेस में मिलता है। तो इस स्टेज को जब कमर्शियली हम इसका उत्पादन कर रहे हैं, जब कमर्शियली हम इस सिल्क वर्म को यूज कर रहे हैं रेशम बनाने के लिए, तो हमको ये स्टेज इसी पे ही स्टॉप कर देनी होती है, और ताकि ये जो प्यूपा है ये उस कुकून से बाहर ना आ सके और हमको जो कुकून है वो एज इट इज फॉर्म में मिल जाए। नेक्स्ट इसकी स्टेज आती है एडल्ट स्टेज। अच्छा, ये लास्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज, मतलब कि अगर जब हम अलाउ करें प्यूपा को आगे बढ़ने के लिए और मैच्योर होने के लिए। द एडल्ट इमर्जेस फ्रॉम द प्यूपा, द एडल्ट लाइफ लास्ट फॉर 3 to 5 days। क्योंकि लार्वा अपनी पत्तियों को खा खा के इतना मोटा हो जाता है कि ये सिल्क ग्लैंड से सिल्क रेशम निकालना शुरू कर देता है, चिपचिपा पदार्थ जिसको हम बोलते हैं। अब निकालने के बाद इसके अंदर इतनी मोटिलिटी नहीं रहती, ये इतना नहीं घूम फिर पाता है कि ये भी आगे ऑल लाइफ स्पेंड कर पाए। तो जनरली इसके बाद जब ये एडल्ट स्टेज में आता है, जब ये कुकून को काट करके बाहर निकलता है, तो सिर्फ और सिर्फ इनका मेन मकसद ये रहता है कि ये अब आगे फर्दर रिप्रोडक्शन करे। दे डू नॉट फीड, मोथ्स आर फ्लाइटलेस एंड लैक फंक्शनल माउथ पार्ट्स, सो आर अनेबल टू कंज्यूम द फूड न्यूट्रिशन। वंस द एडल्ट मॉथ कम्स आउट ऑफ इट्स कुकून, इट्स ओनली पर्पस इज टू फाइंड द मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स एंड देन द मीटिंग। They live for the reproduction after copulation, male die and female die after laying eggs. तो मैंने क्या बताया था कि एक बार जब एडल्ट मॉथ कुकून के बाहर आता है तब इनका सिर्फ एक ही पर्पस रह जाता है जिंदा होने का, कि एक अपने अपोजिट सेक्स को ये सर्च करे, उनसे मैटिंग करे और फिर आगे की प्रोसेसिंग ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब कॉपुलेशन के बाद ये अपना रिप्रोडक्शन करे। अच्छा, होता क्या है, पॉपुलेशन के बाद जो नर मौत होता है उसकी डेथ हो जाती है और जो मादा होती है उसकी डेथ अंडे देने के बाद होती है। मींस हम लोग फिर से उसी प्रोसेस में स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए जहां पे हमको अंडे मिल रहे थे, कि एक मादा जो है जनरली 300 से 400 तक के अंडे देती है एक बार में। अब यहाँ पे क्या होता है, ये रेशम कीट जो मादा रेशम कीट है वो अपने उस कुकून से बाहर आई, 300 से 400 फिर अंडे दी और फिर अगेन वहीं से लाइफ साइकिल आपकी फिर से सिल्क वर्म की स्टार्ट हो गई। तो ये प्रोसेस हम तब करेंगे जब हम अलाउ करेंगे उस कुकून को, कुकून से पर्टिकुलर रेशम कीट को बाहर आने के लिए। अगर हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो हम इस स्टेज को आने ही नहीं देते। ये स्टेज तब आएगी जब हम खुद अलाउ करेंगे, या अगर नेचुरली ये हो रही हो, अगर कॉमर्शियली पर्पस से देख रहे हैं कि हाँ हमको रेशम रेशम का उत्पादन करना है, तो हम जो पहली वाली स्टेज है प्यूपा वाली स्टेज, हम सारी चीजें उसी स्टेज पे स्टॉप कर देंगे और रेशम को प्राप्त करने के लिए सारे कुकून्स को हम बॉइल्ड वाटर में डालेंगे, जिससे कि जो हमारा जो अंदर का प्यूपा है वो उसी में मर जाएगा और हमको रेशम के धागे स्ट्रैंड बाय स्ट्रैंड इजिली जो है हमको मिल जाएंगे। अच्छा, ये रही इसकी लाइफ साइकिल। स्टार्टिंग जो हम करते हैं वो हमारी पहली है एग से, जिसका हमने इंक्यूबेशन किया, मादा ने अपने अंडे दे दिए, 300 से 400 लगभग अंडे देती है। फिर उसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा 9 से 12 दिन तक का। अब अंडों से हैचिंग होगी, मींस अंडा तोड़ के जो लार्वा है वो बाहर आएगा, एक छोटे से चींटी की उसमें होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि इनके सरफेस पे ब्रिस्टल होते हैं, हल्के हल्के रोए होते हैं, फिर जैसे जैसे इनकी इंस्टार और मोल्टिंग होती जाती है, धीरे धीरे ये बढ़ते जाते हैं,
ऊपर के जो इनके सरफेस पे रेशे होते हैं वो हटते चले जाते हैं। तो इनका जो लार्वा है ब्रशिंग न्यू बॉर्न सिल्क वॉर्म जो है स्टार्टिंग में निकलते हैं, फिर उसके बाद इनकी फर्स्ट इंस्टार लार्वा स्टेज आती है जो कि 3 से 4 दिन की होती है, फिर फर्स्ट मोल्टिंग होती है, फिर सेकेंड इंस्टार लार्वा आती है, थर्ड लार्वा इंस्टार स्टेज आती है, थर्ड मोल्टिंग होती है, फोर्थ स्टेज आती है, फोर्थ मोल्टिंग होती है, और फिफ्थ इंस्टार स्टेज आने के बाद मोल्टिंग होती है, और फिर जो है ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन टू प्यूपा। ये रहा आपका कुकून, ठीक है, इसके अंदर प्यूपा होता है। अगर हम इसको आगे फर्दर मेच्योर करना चाहते हैं तो ये मेच्योर होके कुकून को कट करके कुकून को तोड़ के ये बाहर आ जाती है, और फिर से जो कॉपुलेशन होता है उसके बाद फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है एग ले करने के बाद। और फिर अगर हमको अगर कमर्शियल पर्पस के लिए चाहिए होता है तो हम ये स्टेज स्टॉप कर देते हैं यहीं पे कुकून फॉर्मेशन के बाद, हमें यहाँ से कुकून मिल जाता है और इसको कुकून को हम लोग आगे फर्दर यूज कर सकते हैं रेशम के उत्पादन के लिए। अच्छा, होता है क्या कीट को हम आर्थिक महत्व के अंतर्गत रेशम कीट के बारे में जो है रेशम कीट का उत्पादन किया जाता है। हम सभी लोग ये जानते हैं कि रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है। ये कीट या मौत सहतूत के पेड़ पे पाया जाता है और इनका जो लार्वा सहतूत की लीव्स यानी कि पत्तियों को खा खा करके ये बड़ा होता है। तो रेशम का पालन पोषण और रेशम बनाने की क्रिया रेशम कीट पालन कहलाती है, मतलब कि इसको हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सहतूत की पत्तियों पर अपने अंडे देती है मादा, क्या है कि रेशम का कीट या पतंगा सहतूत की पत्तियों पर लगभग 300 से 400 तक का अंडों का रोपण करती है, जिसका मतलब रेशम कीट की जो मादा होती है लगभग एक बार में 300 से 400 तक के अंडे देती है। आगे चलकर इनकी अंडों के प्रत्येक अंडों से लगभग 10 दिन में एक छोटा सा जिसको लार्वा कहते हैं कैटरपिलर लार्वा निकलता है, मतलब उसी अंडे से 10 दिन बाद एक कीड़ा निकलता है जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं। ये रहा कैटरपिलर, आंट फॉर्म में होता है या लार्वा भी कहा जाता है। तो ये लार्वा बिल्कुल तितली के लार्वा जैसा मिलता जुलता है और ये लार्वा जब सहतूत की पत्तियों को खाता है तो बहुत ही तेजी के साथ बड़ा होने लगता है। लगभग 30 से 40 दिन में पत्तियों को खाता है और जो बहुत ही तेजी से बड़ा होने लगता है। ये लगभग 30 से 40 दिन में सक्रिय मतलब बहुत ही तेजी से बड़ा होता है, गोल मटोल हो जाता है, इसके पैर छोटे छोटे हो जाते हैं, मतलब ये ऑलमोस्ट 3 इंच तक लंबा हो जाता है और सुस्त होकर गोल मटोल हो जाता है। अब गोल मटोल होने के बाद 3 दिन तक कंटिन्यू निरंतर अपने सिर को इधर उधर हिलाकर अपने चारों ओर लार ग्रंथियों द्वारा प्रावित पदार्थ को एक लंबे धागे का खोल बनाता है जिसको हम कुकून कहते हैं। इट मींस दैट जब लार्वा मोटा हो जाता है तो इनमें एक जोड़ी लार ग्रंथि बन जाती है, जो मैंने बताया था सिल्क ग्लैंड रहता है, और लार ग्रंथियों से चिपचिपा द्रव्य स्रावित होता है। ये द्रव्य जो है जो ये चिपचिपा जो सिक्रीशन होता है ये एयर के कांटेक्ट में आने से सूख कर धागे के जैसा हो जाता है और धागे जैसे ही संरचना बनाता है। ये धागा क्या है, लार्वा या प्यूपा के शरीर के चारों तरफ कुकून बना लेता है, यानी वही जो लार्वा होता है वो मुंह को इधर उधर घुमाता रहता है और उसके चारों तरफ वो जो धागा होता है वो लिपटती रहती है और उसी की लार सूख सूख के वो कुकून जैसा बन जाता है, यानी मुंह के मूवमेंट से तो लार उसके चारों तरफ धागे जैसी संरचना के रूप में चिपकती चली जाती है और इस प्रकार कुकून का निर्माण हो जाता है, जो कि एयर के कांटेक्ट में और सनलाइट के कांटेक्ट में धागा सूखकर रेशमी धागा बन जाता है जो कि लगभग 1000 मीटर लंबा होता है। अब क्या होता है, कुकून के अंदर बंद लार्वा एक प्यूपा में बदल जाता है। सामान्य रूप से 12 से 15 दिन तक का प्यूपा की पूरी तरह की पूर्ण कीट में बदल जाता है और ये जो प्यूपा की अवस्था होती है
वो 12 से 15 दिन की लगभग होती है। इसके बाद वो पूरी तरह से रेशम का कीट बन जाता है। अब आगे वो अपने कुकून को काट कर बाहर आ जाता है। बाहर आने की वजह से रेशमी धागा अनेक टुकड़ों में टूट जाता है और टूट कर खराब हो जाता है। तो इस फटे हुए कुकून से हमको रेशम नहीं बनाया जा सकता, हम रेशम नहीं बना सकते। तो फिर होता क्या है, रेशम को प्राप्त करने के लिए एक पूर्ण कीट को बाहर निकलने से पहले ही कुकून को खौलते पानी में डालकर धागे को अलग किया जाता है, जिससे कि कीड़ा अंदर ही मर जाता है और धागा आसानी से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम रेशम के धागे का निर्माण निर्माण करते हैं। तो लगभग 25,000 कुकून से हमको 1 पाउंड रेशम मिलता है। इन द होल वर्ल्ड ऑलमोस्ट 5,000 पाउंड ऑफ दिस सिल्क इज जनरेटेड पर ईयर, मतलब एक पूरे विश्व में एक साल में लगभग 5,000 पाउंड जो है सिल्क का उत्पादन, रेशम का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार हम समझ गए कि कैसे रेशम कीट से हमें रेशम मिलता है और इनका जीवन चक्र कैसे चलता है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। फॉर मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एट www.itlsacademy.com। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ITLS Academy एट यूट्यूब। थैंक यू।